अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। पिछली वीडियो में मैंने यार आपको दिखाया था कैसे मिनाल मलिक की कुछ वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर या सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी है और मिनाल मलिक का उसके ऊपर आगे ये कहना था कि ये फेक वीडियोज हैं, ये एडिट की गई वीडियोज हैं और मैंने FIA के अंदर कंप्लेन कर दी है। अच्छा लेकिन अब भाई साहब इस मामले के अंदर दो नए कट्टे खुल चुके हैं। पहले नंबर पे कट्टा ये है कि क्या ये फेक वीडियोस हैं, तो उसका जवाब है नहीं, ये रियल वीडियोस हैं। फॉर एग्जांपल यार ये वाली पिक्चर जो है वो मिनाल मलिक की लीक वीडियो में से पिक्चर है और उसके बाद ये वाली जो वीडियो आप देख रहे हो ये मिनाल मलिक की एक रेगुलर टिकटॉक की वीडियो और दोनों के अंदर भाई सब ड्रेस बिल्कुल सेम पहनी हुई है और मेकअप शेकअप भी बिल्कुल सेम किया हुआ है। इसके अलावा भी यार जिन जिन लोगों ने मिनाल मलिक की वीडियोस देखी हुई है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मिनाल को ये कह रहे हैं कि बाजी हम फुद्दू नहीं है, हमें रियल और फेक में फर्क पता है, ये सारी की सारी रियल वीडियोज हैं। आप इतने बेगैरत हो। उसके बाद यार यहाँ पे दूसरा सवाल ये आ जाता है कि ये सारी वीडियोज लीक किसने की हैं, तो इसका जवाब मिनाल मलिक ने खुद दी है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया कि मिनाल मलिक ने वीडियोस लीक होने से पहले ही उस लड़के को धमकी लगाई थी कि अगर तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास गए तो हमारी जो वीडियोस बनी हुई हैं वो मैंने लीक कर दी हैं। और सिंपल सी बात है, वो लड़का जब इससे छोड़कर किसी और के पास गया तो इसने वीडियोस लीक कर दी। अब इसके बाद भाई साहब उस लड़के का रिस्पांस भी आ गया जिसके साथ मिनाल मलिक की वीडियोस लीक हुई हैं, जिसको मिनाल मलिक धमकी दे रही थी। ये वीडियो इस बेगैरत कटिया ते सस्ती तरीन औरत मिनाहिल मलिक करते हैं। मिनाहिल मलिक दुनिया की आखिरी घटिया और बेगैरत तरीन औरत है तू, बेगैरत झूठी मक्कार फ्रॉडन बहुत सारे तेरे नाम हैं और ये सिर्फ ऐसे नाम नहीं है, ये इंशाल्लाह साबित होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें स्टार अनानिमस के बारे में, तो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे स्टार अनानिमस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर FIR हो गई थी और अब भाई साहब वो वापस आ चुके हैं और आके उसने एक्सप्लेन किया है कि उसके साथ हुआ क्या है। वीडियो चेक करो आप। यार ऐसा है कि जिस साइड पे हम लोग मेहमान थे और सामने वाली साइड अल्लाह जाने क्योंकि ये सेम शहर है उनका, उनके आपस में क्या खार थी, क्या दिल में थी, क्या मामला थे, ऐसे कि फेक उन्होंने जो है वो दरख्वास्त दी। अब मैं फेक विदाउट रीजन नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे पास सारे वीडियो एविडेंस मौजूद थे, मेरा काम ही उधर वीडियो बनाना था, मैं ब्लॉग कर रहा था, मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी, सारे प्रूफ्स मौजूद थे। उन्होंने गलत FIR दी और उसके बाद 15 पे कॉल थी तो डेफिनेटली पुलिस एक्शन लेती है। एक्शन हुआ, हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इतनी दूर दूर से जिन जिनको पता चला, विद इन फ्यू मिनट्स मेरे भाई पहुंचे। एक चीज़ का दुख है कि रोला अपनों का था और मेरे जो बैग पे खड़े हुए थे ना वो मेरे दोस्त यार थे। फिर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हुई SHO की जानिब से और डेफिनेटली हम लोग गिल्टी नहीं साबित हुए, हम लोग गिल्टी नहीं थे, वी हैव द वीडियो एविडेंसेस और उस वजह से वो बंदा जो है वहाँ पे बेइज्जत और जलील हुआ। उसके बाद यार अगर हम बात करें PGC इंसिडेंट के बारे में, तो उस इंसिडेंट के अंदर एक लड़की की पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये वाली लड़की है जिसके साथ ये सारा मामला हुआ है, ये विक्टिम है। लेकिन भाई सब वो लड़की मंजर आम पे आ गई है, ये वाली पिक्चर उस लड़की की 2 साल पुरानी पिक्चर थी, उसकी अब शादी भी हो चुकी है, उसने ये सारा एक्सप्लेन किया, उसकी वीडियो चेक करो आप। मेरा नाम मिनाहिल है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। आजकल मेरी पिक्चर PGC इंसिडेंट से बहुत ज्यादा रिलेट की जा रही है और बताया जा रहा है कि वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, वो रेप का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है और मैं मर चुकी हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं यासिर शामी डेली पाकिस्तान के थ्रू आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मेरी पिक्चर मिसयूज की गई है और कहा गया है कि मैं वो लड़की हूँ जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है और मैं मर चुकी हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रहा है, मैं मैरिड हूँ, मेरी फैमिली और मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रहा है और अब ये पिक्चर 2022 की है और अभी उसकी जा रही है, मैं नहीं जानती हूँ कि ऐसा क्यों किया गया है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी मेरी पिक्चर मिसयूज की है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। थैंक यू। अब जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की जानिब से ये कंफर्म हो चुका है कि ये बिल्कुल एक फेक वाकया था, फेक न्यूज की वजह से हुआ है। तो इसी चीज को लेकर भाई साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने भी अपना रिस्पांस दिया, उनका रिस्पांस चेक करो आप। यहाँ मुद्दा ही सामने आया कि वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर के साथ जो है वो बच्ची जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग करवा रही है, पुलिस वालों के साथ मुद्दई का चचा और वालिद खड़े हुए हैं कि जी इस तरह नहीं हुआ। और मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं, ये जिनका कॉलेज का सारा सिलसिला है पंजाब कॉलेज का, मियां आमिर साहब,
ये कट्टर पीटीआई के सपोर्टर है। नून लीग को तो बहाना चाहिए था, इनका कचूमर निकाल के रख देती, उनको और क्या चाहिए था। तो उनका अपना कोई मुफाद भी नहीं है उनके साथ खड़े होने का, बल्कि वो तो इनका कचूमर निकाले जिस तरीके से इन्होंने एक खास जमात को इस तरीके से सपोर्ट किया। लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि वहां ये केस नहीं हुआ। तो ना लॉजिकली, ना क्राइम की और ना सबूत सबूत नाम की तो कोई चीज नहीं। मुझे भी चंद एक स्टूडेंट्स ने वहां से भेजा, मैंने कहा भाई FIR कटवाओ, मैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूँ। उसके बाद यार अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी भिखारी के बारे में। पहले भी मैं इस बात को कवर कर चुका हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी भिखारी उमरा का वीजा लेकर सऊदी अरब में जाते हैं स्पेशल मांगने के लिए। और अब भाई साहब एक बंदे ने वीडियो बना के अपलोड किया, पहले वो वीडियो चेक करो। कितों आए हो? पाकिस्तानों कितों? लाहौर कितों? बनस्परी। इतने की कर रहे जी? बस रोटी वास्ते बैठा है, तो की करा, नमाज पढ़ के चला जावा। पासपोर्ट दिखाओ अपना। कोई नहीं, रूम च पे है। रूम च जाके सुनो, पाकिस्तान पहन ले आए मुक गए ने पुत्र, की करा यार। भाई साहब पता की गल है, हाँ। जुमरा भी बंद हो जाए? नहीं पुत्र, अल्लाह हो जाना बंद ना करे, वजह तो बंद हो जाना है, अल्लाह जानता जी। मैं टुर जाना मेरा पुत्र, टुर जाओ ना फिर, नहीं पैसे के तो पाकिस्तान टुर जाओ। ठीक है मेरा पुत्र, अल्लाह तेरी जिंदगी करे परवरदिगार, अल्लाह तेनु पाओ। हुण मैं देखिया, मैं जन्म छुट्टे नूं फड़वा देना जी, याद रखा। नमाज से पढ़ लें, नमाज पढ़ना आए हो थे? इज्जत दे विच पढ़ लांगे फजर, जाओ हरम जाओ, नमाज पढ़ो, मैं नाल जाऊं। जो बंदा वीडियो बना रहा था उसने अपनी वीडियो के अंदर एक पॉइंट रखा है कि तुम भिखारी की वजह से पाकिस्तानियों का हज उमरा बंद हो जाना है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर ये सिस्टम बंद ना हुआ तो वाकई उन्होंने बैन कर देना है। उसके बाद यार हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही स्ट्रेंज इवेंट के बारे में। इंडस यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को वेलकम पार्टी दी गई, और वहां पे भाई साहब जो थीम सिलेक्ट किया गया वो इल्यूमिनाटी का थीम सिलेक्ट किया गया। ये पिक्चर्स आप देख सकते हो जिसके अंदर भाई साहब इल्यूमिनाटी के खुलम खुला लोगों से लगे हुए और बच्चों को वेलकम पार्टी दी जा रही है। यार खुद ही साहब लगा लो, ये क्या चल रहा है। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी मिक्स खबरों के बारे में बात कर ले तो शादी टूट जाती है, क्योंकि शादी के दौरान ही दुल्हे का वालिद दुल्हन की वालदा के साथ फरार हो जाता है, मतलब के भाग जाता है। शादी से रिलेटेड खबर है कि रेहम खान ने एडवाइस दिया है हानी अमर को, मोहतरमा शादी नहीं करनी आपने। पंजाब के अंदर धीर रानी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके अंदर भाई साहब न्यूली वेड कपल को 1,00,000 रुपए की सलामी दी जाएगी। खैर यार मेरे ख्याल से ठीक होगा। यही थी वीडियो, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बता देना। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है यार, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल सोना करके सब्सक्राइब लाजमी करना है। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पूछे तू के तुझ में मैं क्या देखता हूँ, जब चारों तरफ आज कितने सारे नजारे हैं। जाने ना तू के खुद को मैं ना जाने क्यों, नजरों से मेरे देखो ना खुद को जरा, देखो ना जुल्फों से तेरी चुभती है प्यारी सी मुस्काने हैं, और नजरें झुकी और नजरें उठी तो मैं क्या ही करूँ।